What's up, guys? Welcome to another video. And today we are at beautiful Italy town. ये एक छोटा सा शहर है. शहर तो नहीं कह सकते, टाउन कह सकते हैं, जो इटली टाउन के नाम से मशहूर है. और काफ़ी मज़े की जगह है. एक बेसिकली टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि इसके बजट आई थिंक 4 billion yuan था और लास्ट ईयर इसकी ओपनिंग थी. तो देखते हैं, काफ़ी मज़े का लग रहा है. आज मौका अच्छा है तो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मैंने मुल्क से बाहर रह के सीखी हैं. ऑफ कोर्स मैं MBBS कर रहा हूँ चाइना में, जिनको नहीं पता उनके लिए. तो 2 साल हो गए मुझे यहाँ और मैं घर नहीं गया अभी तक. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज़ के बंदा लाइफ की छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीख जाता है. ज़ाहिर है लाइफ में हर कुछ परफेक्ट नहीं होता और सारी चीज़ें ऐसे नहीं जाती जैसे बंदे ने प्लान किया होता है. तो अगर बंदा छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करे ना, तो लाइफ काफ़ी हैप्पीली गुजर जाती है. हम लोग एक ही जगह पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, खेलते हैं और एक ही तरह के लोगों में हमारा ग्रोथ होती है. तो वहाँ लोगों की सोच काफ़ी मिलती जुलती है और सब कुछ नॉर्मल होता है. मगर जब हम एक डिफरेंट कल्चर में आते हैं और डिफरेंट कंट्री में रहते हैं, तो जो नॉर्मल की डेफिनेशन है ना, वो चेंज हो जाती है. क्योंकि जो आपके लिए नॉर्मल है वो उनके लिए नॉर्मल नहीं है, और जो उनके लिए नॉर्मल है वो आपके लिए नॉर्मल नहीं है. तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है. हम लोग दूसरों की थिंकिंग को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं. और जब इंट्रैक्शन होता है दूसरों लोगों के साथ, डिफरेंट माइंड के लोगों के साथ, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ, तो बंदा एक ज़्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव से सोचता है, दूसरे लोगों को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं. अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है. और ओके, टिपिकल वैसे ही बना हुआ है जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, बिल्कुल रोमन स्टाइल है, ओल्ड मेडिवल स्टाइल. तो काफ़ी मज़े की जगह है. बस अब ये है कि बारिश ना हो, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है. बाहर एक कंट्री में, एक फॉरेन कंट्री में रहते हुए काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होता जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और आपको अपनी लाइफ जो है वो उसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है. ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, रहन सहन, ये सब चीज़ें ज़ाहिर है डिफरेंट होती हैं. तो इससे एक और पॉइंट ये है कि बंदा अपने आप को डिफरेंट हालात में एडजस्ट करना सीख जाता है और ज़्यादा वर्सटाइल हो जाता है. और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडिपेंडेंस, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. क्योंकि हम लोगों ने अपनी ऑलमोस्ट सारी लाइफ फैमिली के साथ स्पेंड की होती है और फैमिली के अंडर स्पेंड की होती है. तो बाहर आके इंडिपेंडेंस तो मिल जाती है, पर उस इंडिपेंडेंस के साथ हम करते क्या हैं, ये चीज़ हमारी पूरी लाइफ अफेक्ट कर सकती है. और उस इंडिपेंडेंस के साथ भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्टडीज़. और क्योंकि घर से तो कोई रोक टोक नहीं होती, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू. जैसे कि सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है, स्पेशली कुकिंग. यार एक तो ये स्पीकर्स ने बहुत तंग करके रखा हुआ है. जहाँ जाओ स्पीकर्स, ये म्यूज़िक आपको प्रॉब्ली सुनाई दे रहा होगा, तो बहुत अनोइंग है यार स्पीकर्स. प्रॉब्ली द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज द स्पीकर्स. बारिश शुरू हो गई है तो कहीं अंदर जाना पड़ेगा. फिर
ऑफ कोर्स साथ साथ बंदा हो जाता है तेज, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल. हमने लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे ये ज़रूर सुना होता है कि जो बंदा एक बार बाहर चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता पाकिस्तान में रहने के लिए. इस बात में रियलिटी भी काफ़ी है क्योंकि बाहर जो आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और सफाई है और लोग ईगरली वेट कर रहे होते हैं यहाँ कि रिटायर हों और पेंशन स्टार्ट हो, क्योंकि इनकी पे से कहीं ज़्यादा इनकी पेंशन होती है. तो बस ये भी कुछ फैसिलिटीज़ में आता है और बाकी सफाई तो आई थिंक काफ़ी ईजी हो जाती है. बट उसके अलावा भी आई थिंक इट्स प्रीटी एक्साइटिंग टू एक्सप्लोर न्यू कंट्रीज, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. तो काफ़ी मज़े की चीज़ है. आई एम ऑल्सो अ फैन. एक और पॉइंट, यू नेवर स्टॉप लर्निंग. सिर्फ चाइनीज ही देख लेते हैं 8,000 अल्फाबेट्स एंड कम से कम 2 से 3,000 आपको आने चाहिए कि आप अखबार पढ़ सकें. सो या सिर्फ चाइनीज़ ही नहीं, इवन अपने आप के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी नई चीज़ें डिस्कवर करता है बंदा. और एक बात ये कि जब आप किसी नई जगह मूव करते हैं तो किसी को नहीं जानते होते, सारे आवाम नहीं होती है, सब कुछ नया होता है, खाना पीना रहना सहना और लोग भी. तो उस सब में जब हम एडजस्ट करके अपने आप को रहते हैं, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, तो अब जब इतने सारे लोगों में रहते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि हर एक बंदे से कैसे डील करना है, डिफरेंट पर्सनैलिटी के बंदों से कैसे डील करना है और किससे क्या बात करनी है, किससे क्या नहीं करनी है. एक बात है, बाहर किसी भी कंट्री में जिस तरह का भी माहौल हो, जिस तरह के भी लोग हों, अपना कंट्री और अपना कल्चर बहुत याद आता है. तो बंदे को अपने कल्चर के लिए ज़्यादा अप्रिशिएशन आती है. सो दिस वॉज माई विजिट टू इटली टाउन. होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो. एंड आई नो देर वॉज अ लार्ज गैप बिटवीन माई लास्ट वीडियो एंड दिस वन, बट आई एम बैक नाउ एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट न्यू वीडियोज एज ऑफन एज आई कैन. लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you.